ओम शांति। 3 जनवरी 2021 के अव्यक्त पाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 5 अक्टूबर 1987। विषय ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज की मुरली से सुनते हैं 7 मुख्य पॉइंट्स। ज्ञान सागर बाबा बच्चों से पूछते हैं, संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया, क्या हुआ? दूसरा पॉइंट, सदा सुखदाता बच्चों को समझाते हैं, दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण, प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। तीसरा पॉइंट, ऑलमाइटी बाबा समझानी देते हैं संतुष्टता की निशानी। वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। चौथा पॉइंट, सुप्रीम टीचर हम बच्चों को समझाते हैं, प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। पांचवा पॉइंट, प्राणेश्वर बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। छठा पॉइंट, मीठे बाप दादा बोले, फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। सातवां पॉइंट, रूहानी बाबा का डायरेक्शन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं विस्तार सहित। आज की मुरली का विषय ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले
सिकिलथे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्पों में बोल में संगठन के संबंध संपर्क में कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता, इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो तीन मालाएं तैयार हुईं। मणियां तो सभी हैं लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे दो प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं। रूह रिहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थीं जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थीं। ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्त
भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण, प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्तियां दिलों में हद डाल देती हैं, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्नचित कभी कोई बात में प्रश्नचित नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्नचित की निशानी वे सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पाठ ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति और दृष्टि वाले, तो संगमयुग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात
राजाई संस्कार वाले हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना, अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही समृद्धि स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है, स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है, पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है, और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है, कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन, और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है, ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं, रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं, विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वे तो सदा हैं ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता, सबसे सिकिलधे भी मधुबन निवासी हैं, सब फंक्शन भी मधुबन में होते, सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के
अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं, इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकिलधी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। ऐसी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते, इसलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे। इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी, घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाप दादा आपने कमाल की माला बनाई, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी, अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही, आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा, देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से देंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे, चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है, आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, वरदान बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस पांच तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं, उनके बुद्धि रूपी पांव इस पांच तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं, ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे, शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। ओम शांति।